So, this is the question number six, which is saying that a window of a house is h meters above the ground. From the window, the angles of elevation and depression of the top and the bottom of another house situated on the opposite side of the lane are found to be a alpha and beta respectively. Prove that द हाइट ऑफ द अदर हाउस इज एच ब्रैकेट वन प्लस टेन अल्फा इंटू कॉट बीटा मीटर्स यह क्वेश्चन हमसे यह कह रहा है कि अगर हमारे पास एक लेन है और इस लेन के साइड में हमारे पास एक हाउस है और इस हाउस के अपोजिट साइड में एक अनदर हाउस है और फर्स्ट हाउस के अगर हम विंडो की बात करें तो विंडो के जो हाइट है ग्राउंड से वो हमारे पास इस रेड लाइन से रिप्रेजेंट की जा रही है जो कि एच मीटर है और इसके अपोजिट साइड में जो हमारे पास हाउस है उसका जो टोटल डिस्टेंस है ग्राउंड से उसको हम इस येलो लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिसकी हाइट हमारे पास है कैपिटल एच मीटर अब इन दोनों हाउस के बीच का जो ये जो डिस्टेंस है उसको इस ग्रीन लाइन से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं और अगर हम विंडो के और हाउस अनदर साइड के जो हाउस का जो टॉप है उसको हम यहाँ पर इस वाइट लाइन से रिप्रेजेंट करें ठीक है तो उस केस में हमारे पास क्या होगा कि कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनकर आएगा और लेन की यहाँ पर चौड़ाई जो हमारे पास है ब्रेथ है उसको हम यहाँ पर एक्स मान लेते हैं तो आई होप कि ये जो स्ट्रक्चर है आपको समझ में आ गया होगा अब हम चलते हैं कि इसका जो ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर है उसको किस तरीके से हम ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पर हम ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं तो यहां पर हमारे पास ये हाउस रहा हमारा अब ये हमारे पास ज्योमेट्रिकल जो स्ट्रक्चर यानी कि ज्योमेट्रिकल जो, जो फिगर है इस तरीके का हमारे पास बन जाएगा तो ये हमारा ज्योमेट्रिकल जो, जो फिगर है वो बन के रेडी हो गया है ये डॉटेड लाइन और ये लाइन ये दोनों के दोनों इक्वल होंगे क्योंकि हमारे पास ये एक रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है अब रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है तो ये इक्वल भी होते हैं और साथ में हमारे पास ये पैरल भी होते हैं उस केस में हमारे पास ये जो डायगनल हमारे पास है ये ट्रांसवर्सल जैसा काम कर रहा है और उस केस में क्या होगा हमारे पास कि ये जो हमारे पास बीटा एंगल है और ये जो बीटा एंगल है ये दोनों बराबर हो जाएंगे क्योंकि हमारे पास अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे ठीक है अब यहाँ पर हम इनकी क्या कर लेते हैं नेमिंग कर लेते हैं लेकिन उससे पहले यहाँ पर जो स्मॉल एच हमारे पास हाइट था हमारे पास तो ये साइड इस साइड के भी इक्वल होगा तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा एच अब वहाँ पर हमारे पास जो टोटल हाइट हमारे पास एच था उसमें से स्मॉल एच चला गया तो यहाँ पर क्या बच जाएगा हमारे पास एच माइनस में स्मॉल एच और ये नाम दे देते हैं हम ए बी सी डी ई ठीक है तो ये हमने क्या कर दिया हमने ज्योमेट्रिकल फिगर का नेमिंग कर दिया अब हम चलते हैं इसके सॉल्यूशन के तरफ तो यहाँ पर लिखते हैं हम सबसे पहले सॉल्यूशन और जो भी गिवन यहाँ पर है उसे हम लिख लेते हैं जैसे कि हमारे पास गिवन में है गिवन ये हम ए बी इक्वल टू ई बी इक्वल टू कैपिटल एच माइनस में स्मॉल एच उसके बाद हमारे पास क्या है बी डी बी डी इक्वल टू ई सी क्योंकि हमारे पास ये बी डी और सी ई या फिर ई सी इक्वल है जो कि हमारे पास है स्मॉल एच इसी तरीके से बी सी और ई डी बी सी और ई e, डी ये दोनों भी हमारे पास क्या है इक्वल है जो कि हमारे पास है एक्स मीटर ठीक है उसके बाद हमारे पास एंगल ए सी बी एंगल ए सी बी ये हमारे पास है अल्फा और एंगल हमारे पास बी सी डी एंगल बी सी डी जो इक्वल है हमारे पास सी डी ई के या फिर ई e, डी सी के तो यहाँ पर लिखते हैं एंगल ई डी सी जो कि हमारे पास है बीटा ठीक है तो ये जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास गिवन थी हमने इसको लिख लिया अब यहाँ पर हम एक चीज और मेंशन कर देते हैं टू प्रूव हमें प्रूव क्या करना है वो लिख देते हैं यहाँ पर टू तो प्रूव में हमें क्या करना है तो हमें प्रूव ये करना था कि जो अनदर हाउस था उसका जो टोटल हाइट था हमारे पास ग्राउंड से जो कि हमारे पास ए और डी जो कि हमारे पास एच इसको प्रूव करना है कि जो एच है वो एच इंटू में वन प्लस टेन अल्फा इंटू में कॉट बीटा मीटर के बराबर है तो यहाँ पर हम लिख लेते एक बार एच इक्वल टू स्मॉल एच वन प्लस टेन अल्फा इंटू कॉट बीटा तो ये हमें प्रूव करना है ठीक है यहाँ पर हम लिखते हैं प्रूफ यहां पर लिखते हैं step first. Step first हम स्टेप फर्स्ट स्टेप फर्स्ट में हमें ये देखना है कि किस ट्रेंगल में हमें काम करना है ठीक है तो यहां पर हमारे पास ट्रेंगल है ए बी सी तो सबसे पहले हम इसी में काम कर लेते हैं इन ट्रगल ए बी सी ठीक है अब ए बी सी में हमें काम करना है तो जो हमें गिवन है उसको हम ऊपर रखते हैं और जो हमें निकालना है हम उसको नीचे रखते हैं ठीक है थीके? तो जो गिवन हमारे पास उसको क्या कर लेते हैं हम ऊपर रख लेते हैं जो कि है हमारे पास ए बी अपॉन जो हमारे पास है वो बी सी और हम जरा ध्यान से देखें तो हमारे पास किसी भी ट्रेंगल में हमारे पास ये एंगल के सामने वाली जो साइड होती है हमारे पास होती है परपेंडिकुलर और जो इसके जस्ट साइड ये वाली जो साइड होती है हमारे पास वो होती है हमारे पास बेस ठीक है तो हमारे पास ये ए भी हमारे पास क्या हो गया परपेंडिकुलर अपॉन जो साइड हमारे पास बी सी है वो हमारे पास हो गया बेस अब हमें मालूम है कि ए बी का हमारे पास जो वैल्यू है एच माइनस में स्मॉल एच और बी सी की वैल्यू हमारे पास क्या है एक्स मीटर ठीक है बीसी की वैल्यू हमारे पास क्या है एक्स मीटर और हमारे पास पीएफन में बी क्या होता है हमारे पास तो पी एपन बी हमारे पास होता है टेन थीटा अब थीटा की जगह में क्या है हमारे पास अल्फा तो यहां पर हम क्या कर लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लेते हैं ठीक है अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर तो इससे पिछले वाले पेज पर हमारे पास जो रिजल्ट आया था उसको एक बार यहाँ पर मेंशन कर मैं जो कि हमारे पास था कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच अपॉन में अल्फा जिसको हमने इक्वेशन फर्स्ट लेट किया हुआ था ठीक है अब यहां पर हम स्टेप नंबर सेकंड पे हम आ जाते हैं जो अब हमारे पास क्या है हमने इससे पहले वाले ट्रैंगल कौन सा लिया था हमने ए बी सी अब हम जो ट्रेंगल लेते हैं वो क्या होता है हमारे पास सीई डी यहां पर लिखेंगे इन ट्रैंगल सीई डी फिर से वही हमारे पास जो हमने वहां पर परपेंडिकुलर अपन पर में बेस निकाला था यहां पे भी वही चीज हमारे पास तो गिवन हमारे पास वो हाइट है तो यहां पर हम क्या कर लेते हैं हाइट यानी कि सीई अपॉन में बेस हमारे पास क्या है CED, तो यहां पर हम ईडी लिख लेते हैं अब इस एंगल के सामने वाला जो साइड है हमारे पास ये परपेंडिकुलर है और ये वाला साइड हमारे पास बेस ठीक है तो यहां पर हमारे पास हो जाएगा पी बोले तो परपेंडिकुलर और ये हमारे पास बेस ठीक है अब हमें मालूम है कि सीई e की वैल्यू हमारे पास कितना है स्मॉल एच और ईडी की वैल्यू हमारे पास एक्स ठीक है अब पी अपन बी होता क्या हमारे पास फिर से टेन थीटा अब थीटा की जगह क्या है हमारे पास बीटा तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकंड होगी अब हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को हम सॉल्व करेंगे तो यहां पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट यानी कि इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से हम क्या पाते हैं तो जरा ध्यान से देखिए इक्वेशन फर्स्ट से हमें क्या मिल जाएगी कैपिटल एच माइनस में एच अपॉन में एक्स इक्वल टू टेन अल्फा इसको हम एक्स की वैल्यू अगर हम निकाले तो क्या हो जाएगा हमारे पास एक्स यानी कि हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहां पर तो x इंटू में टेन अल्फा इक्वल टू कैपिटल एच माइनस में स्मॉल एच यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास x इक्वल टू कैपिटल एच माइनस में स्मॉल एच अपॉन में टेन अल्फा यानी कि ये हमारे पास x के साथ मल्टीप्लाई में था डिवाइड में आ गया तो दिस इज द इक्वेशन नंबर थर्ड अब यहां पर हम क्या लिखते हैं पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन सेकेंड ठीक है अब यानी कि जो हमारे पास एक्स की वैल्यू आई है हमारे पास उसको हम क्या करते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट करते हैं देन हमें क्या मिलता है वी गेट तो इक्वेशन नंबर हमारे पास सेकेंड ये है एच का एच ठीक है और एच इसमें एच निकाल लेते हैं एच का एच यहाँ पर इसको इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास एक्स टेन बीटा यहाँ पे भी हमने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ही किया है ठीक है तो h इक्वल टू एक्स इंटू में टेन बीटा अब स्मॉल h को स्मॉल h रहने दीजिए और एक्स की जगह हमारे पास क्या रख सकते हैं हम कैपिटल h माइनस में स्मॉल h अपॉन में टेन अल्फा और यहाँ पर क्या था इंटू में टेन बीटा ठीक है और इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो यहां पर क्या हो जाएगा हमारे पास फिर से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो यहां पर हो जाएगा स्मॉल एच इंटू में टेन अल्फा इक्वल टू यहां पर हम ब्रैकेट लगा लेते हैं कैपिटल एच माइनस में स्मॉल एच इंटू में टेन बीटा ठीक है चलिए अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं पेज पर जो रिजल्ट आया था उसको एक बार यहाँ पर फिर से मेंशन कर लेते हैं ठीक है वो आया था हमारे पास एच टेन अल्फ़ा इक्वल टू कैपिटल एच माइनस में स्मॉल एच इंटू टेन बीटा अब हम क्या करते हैं और सिंप्लीफाई करते हैं तो स्मॉल एच इंटू में टेन अल्फ़ा इक्वल टू इस टेन को इस एच से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा एच टेन बीटा माइनस प्लस माइनस स्मॉल एच इंटू में टेन बीटा ठीक है अब हम क्या करते हैं लाइक टर्म यानी कि एच स्मॉल एच वाले को एक साइड कर लेते हैं और कैपिटल वाले को एक साइड तो यहाँ पर स्मॉल एच टेन अल्फा अब ये इक्वल के इधर माइनस का है तो इक्वल के इधर आके हमारे पास क्या हो जाएगा प्लस का स्मॉल एच टेन बीटा इक्वल टू तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा कैपिटल एच यहाँ पर टेन बीटा हमें तो क्या चाहिए कैपिटल एच चाहिए तो हम क्या करेंगे यहाँ पर तो स्मॉल एच यहां पर हमारे पास कॉमन आ रहा है टेन अल्फा प्लस टेन बीटा ठीक है यहां पर कैपिटल एच इंटू में टेन बीटा अब यहां पर हम क्या करेंगे स्मॉल एच को स्मॉल एच और यहां पर हमारे पास क्या है टेन अल्फा प्लस टेन बीटा एज इट इज और यहां पर हमारे पास जो मल्टीप्लाई में था टेन बीटा उसको हम क्या करते हैं पूरे के डिवाइड में डाल देते हैं ठीक है टेन बीटा और यहां पर क्या बच गया हमारे पास कैपिटल एच ठीक है और यहां पर हमारे पास क्या हो जाएगा ये अभी जो टेन बीटा है जैसे कि मान लीजिए हमारे पास ये ए प्लस में बी अपॉन में टू होता है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं ए अपन में टू और यहां पर बी अपन में टू क्योंकि एल्शियम लेंगे तो हमारे पास ये यही आने वाला है ठीक है तो इसी के तर्ज पर हम क्या करते हैं हम सिंपली यहां पर स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं और यहां पर हम लिखते हैं टेन अल्फा अपॉन टेन बीटा प्लस टेन बीटा अपॉन टेन बीटा इक्वल टू कैपिटल एच अब यहां पर हमारे पास जरा ध्यान से देखिए हमें क्वेश्चन में क्या रिक्वायर्ड है टेन अल्फा इंटू में कॉट बीटा तो यहां पर टेन अल्फा है हमारे पास टेन अल्फा एच छोड़ दीजिए अब देखिए यहां पर वन अपॉन में टेन बीटा यानी कि यहां पर हो जाएगा कॉट बीटा प्लस अब यहां पर ये देखिए टेन बीटा अपॉन टेन बीटा कैंसल आउट होके यहां पर वन बच जाएगा यहां पर क्या हो जाएगा कैपिटल एच तो यहां पर हमारे पास जो आंसर रिक्वायर्ड था वो हमारे पास आ गया है कैपिटल एच इक्वल टू स्मॉल एच ब्रैकेट वन प्लस टेन अल्फा इंटू कॉट बीटा तो ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय